मैं ये बता रहा था आपको, पोलर प्रोटिकर ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब मैं आपको अदर एग्जांपल्स दे रहा हूं, किसके? पोलर अप्रोटिक के। अदर एग्जांपल्स का पोलर अप्रोटिक, ठीक है? पोलर अप्रोटिक के एक कौन है? डाइमिथाइल एसिटामाइड। क्या है? डीएमए। क्या है? डीएमए। एक और ये देखो, एच सी डबल बॉन्ड एन CH3, CH3, दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है? ये सेकेंड एग्जाम्पल। एक देखो, ये एक और होता है HMPA। ये सारे के सारे कैसे हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसे? पोलर अप्रोटिक। ये देखो, ये फास्फोरस होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे एन और यहाँ पे ये नाइट्रोजन से मिथाइल, नाइट्रोजन से मिथाइल, नाइट्रोजन से मिथाइल, इसको बोलते हैं हेक्सा मिथाइलिन फॉस्फोरामाइड। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सा मिथाइली फॉस्फोरामाइड। देखो, HMPA, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड, ये अदर एग्जांपल्स हैं किसके बेटा? ये दूसरे एग्जांपल्स हैं पोलर अप्रोटिक के। अभी ठीक है? ये दिख रहा स्क्रीन? वॉइस भी क्लियर है अभी? मैसेज वाले में आंसर करो, ठीक है? हो गया तो डन लिख दो। हो गया, ठीक है। एक और देख लो, एक होता है क्राउन ईथर। एक क्या होता है? क्राउन ईथर। क्राउन ईथर का जरा देख लो, दिस इज क्राउन ईथर, दिस इज क्राउन ईथर, सब मुकुट टाइप का, ओ ओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये भी कैसा है? पोलर अप्रोटिक। यहां तक लिख लीजिए, तो फिर अपना ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्राउन ईथर, ये सारे एग्जांपल अपन ने किससे दिए? पोलर अप्रोटिक के। किसके हैं ये एग्जाम्पल? पोलर अप्रोटिक के एग्जाम्पल्स हैं। हो गया इतना? फिर अब हम लोग जो है, अब जो है हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल, तीन चीजें डिस्कस कर ली, अब हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। आदित्य, फटाफट छापो। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं, ये चौथा फैक्टर। जरा न्यूक्लियोफाइल के बारे में देख लें। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग टेंडेंसी टेंडेंसी टू जनरेट ठीक है, क्या जनरेट करना है उसको, जनरेट करना है बॉन्ड, ठीक है सर। दूसरा, ये जो रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफाइल की, दिस आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होती है ये? इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा एक और चीज क्या होती है, दूसरा है ना, दिस आर रेट, जो है रेट, दिस आर रेट कंट्रोल्ड रिएक्शन। सर ये रेट क्या होता है, जैसे जैसे कौन कितना फास्ट होगा, किसकी फास्टनेस ज्यादा है, उसके बिहाफ पे रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है कि भाई आपका फटाक से हुआ रिएक्शन पूरा कंज्यूम हो गया, रिएक्शन खत्म, तो रेट कंट्रोल्ड है। इनको एक और चीज बोलते हैं, दीज आर काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। सर ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन क्या होती है, या काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, इसके लिए एक टर्म है केसीपी। क्या टर्म है? केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, केसीपी। देखो एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में देखो क्या है, आप जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो दो टाइप की रिएक्शन जो है, रिएक्शन आगे प्रोसीड क्यों होती है, एक रीजन होता है कि उसका काइनेटिक्स उसको आगे ले जाता, एक रीजन होता है थर्मोडायनेमिक्स ले जाता। थर्मोडायनेमिक्स में क्या रहता है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली स्टेबिलिटी होती है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, स्टेबिलिटी होती है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। इसके अंदर क्या होता है काइनेटिक में, रेट, कौन फास्ट है, कौन तेज है। देखो दो चीजें हैं, दो बच्चे हैं, एक आयुष है और एक दूसरा अपना कोई और, चलो कोई भी एक ए है, कोई एक बी है, ठीक है। ये जो ए जो है ये पटापट बोलता है, मतलब एकदम जैसा ना बोल बच्चन टाइप है, इसको कहीं पे भी किधर भी स्टेज पे खड़ा कर दो, ये बोलने में मतलब बहुत तेज है, ठीक है। जैसे मोदी जी कहीं पे भी खड़ा कर दो, बोलने के लिए रेडी रहते हैं। अब एक दूसरा जो है वो क्या है, वो बोलेगा कम ही है, मतलब उतनी स्पीड नहीं है, बट उसके जो होंगे ना पॉइंट्स होंगे, मतलब वो कंटेंट है, मतलब उसके अंदर जो बोलने में है उसमें पॉइंट नजर आएंगे, हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये बात है कि ये जो है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, क्योंकि इसका जो भी कंटेंट है वो स्टेबल अच्छी चीजें बता रहा है वो। और ये क्या है, ये बोलवचन टाइप है, ठीक है, जितना बोलना है सब बुला लो। तो वही है, आपको जरूरत पड़ेगी तब डिबेट हो रही, जैसे आप ये टाइम्स नाउ के उस पर चले गए तो डिबेट होती है, तो उसमें क्या होता है किसी को पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बस एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो वैसे ये वाला है फास्ट रेट, तो आपको ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा जहां कोई अच्छा डिस्कशन है, फोरम है, वहां पे जो कम बोलने वाले हो, धीमे बोलने वाले हो, बट टू द पॉइंट बात करने वाले हो। तो ये है स्टेबिलिटी कंट्रोल, इसको बोलते हैं केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल, और एक होता है सीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोसेस, एक होता है केसीपी। ये बात समझ में आई क्या? केसीपी और टीसीपी समझ में आया? केसीपी कौन फास्ट है, फटाफट बोलने वाला, और एक है बात करे बट वो ढंग की बात करे। एक काइनेटिकली कंट्रोल और एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन, एक काइनेमेटिकली कंट्रोल रिएक्शन है और एक
थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन है। आगे बाद में इनको और स्टडी करेंगे अपन। तो हमारी जो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस कैसी होती हैं, वो केसीपी होती हैं। क्या होती हैं? केसीपी। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको दिखाया है, यहाँ पे देखो ये सब छाप लिया क्या सबने? ओके, हमने आपको एक एग्जांपल दिया, देखो ये CH3 है, ये O माइनस है और ये CH3Cl है। देखो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, और हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कैसा, न्यूक्लियस लवर, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये लिविंग ग्रुप छोड़ जाएगा और ये वाला इससे बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या बना, दिस इज CH3O CH3 बन गया और क्या बचा, Cl माइनस। तो ये जो है, दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। व्हाट इज दिस रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो है केसीपी कंट्रोल होता है, केसीपी। मैंने गलती कर, दिस इज केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल। कौन फास्ट होगा, जो जितना फास्टर रिएक्शन करेगा उसकी रिएक्शन हो जाएगी। एक दूसरा देखो, बेस वाला रिएक्शन, देखो आपके पास है CH3, यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहां पे देखो ये क्या है, H2O है, तो ये जो रिएक्शन होगी यहां पे क्या बनेगी, CH3OH+OH-। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसका H प्लस लिया गया और OH माइनस, ये जो है यहां पे ये चीज जो है, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। ये वाला जो रिएक्शन है, यहां पे ये क्या बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ऊपर कैसा था न्यूक्लियोफाइल, सर ये कैसे बिहेव किया, ये कैसे पता चला, इसमें क्या है, बेस जो होता है, यार बेस हैज प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। इसकी टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन, क्या इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, यस इसने यहां पे प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ओके। फिर दूसरा क्या है, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन, यस रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो ये सिंबल, यहां पे क्या था, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये क्या है, थर्ड इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड रिएक्शन। ठीक है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है तो बैकवर्ड जा सकती है, टेम्परेचर चेंज किया तो। यहां पे ये देखो कैसी है, दिस इज रेट कंट्रोल्ड रिएक्शन। यहां पे क्या है, स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, तो इनको बोलते हैं TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। क्या लिखेंगे इधर, दीज आर TCP रिएक्शन या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस रिएक्शन से। बस इतना लिख लो। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। देखो कब न्यूक्लियोफाइल, कब बेस, उसका अपन ने यहाँ पर डिस्कशन किया। हो गया,
ओके वेरी गुड, शाबाश। आप देखो ये तो बेस और न्यूक्लियोफाइल वाली चीजें समझ में आ गई अपने को। ये एक एसीपी होता है, इरिवर्सिबल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू जनरेट बॉन्ड। यहाँ पे ये H+ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है, टीसीपी है। ओके आप जरा देखो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्ट्रेंथ कैसे क्या, न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, अभी अपने को स्ट्रेंथ पता करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा सही है और कौन सा थोड़ा कम सही है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अभी न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल कौन से हो गए, जैसे OH- है आपके पास, SH- है, ठीक है, PHO- है, RO- है, या NH2- है, या आपके पास R C डबल बॉन्ड हो, O- है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके पास में न्यूक्लियोफाइल है। एक तो ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज, ये सारे क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज। सर हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही न्यूक्लियोफाइल होते क्या, नहीं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट होना क्या चाहिए, उनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए होने चाहिए। जैसे ये क्या, ये सर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, यस, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये न्यूक्लियस से प्यार करेगा कि भाई मैं जाके कहीं पे रिएक्ट कर जाऊं। तो यहाँ पे दीज आर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब अपने को स्ट्रेंथ वेंथ की डिस्कशन करना पड़ेगा। और ये देखो आपके पास है लेट्स से पी एच ओ एच, ये भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। आपके पास आर ओ एच भी हो सकता है, आपके पास आर सी डबल बॉन्ड हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी ये ओ एच, ये भी हो सकता है। तो आपके पास में ये जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं, बस इनको इलेक्ट्रॉन्स, दिस आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, दीज आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। दो टाइप के हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। छाप लो तो डन करो। कल का आपका जो क्लास होगा 9:30 से होगा, 9:30 मैथ, फिर 11:30 आप दोनों बुक्स लाएंगे, फिजिक्स भी लाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लेके आएंगे। रोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक तो कैरी करनी है आपको। ठीक है, हुआ क्या? अच्छा अब अपन लोग क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, किसको, न्यूक्लियोफाइल को। तो रूल वन कैसे कैसे कंपेयर करते हैं, रूल वन ऑफ कंपैरिजन क्या बोलता है कि मेरे पास में जैसे OH- है और H2O है, इनमें से कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, इनमें से कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, एक OH- है और एक H2O है, ऑब्वियस है ये वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, प्लस लोन पेयर भी है, इसके पास भी लोन पेयर है पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये इसकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो इसमें लिख सकते हैं, देखो अगर ये OH- है, इस पे H+ ऐड हुआ तो ये H2O बना, तो इसको बोलेंगे कि यार ये कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड। देखो H2O का एक H+ निकालो, H2O जो है
H2O से एक H प्लस निकाल लो तो क्या बनेगा, O H माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिड है तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। जैसे कि देखो आर ओ माइनस है और आर ओ एच है, इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जब फटाफट बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। आर ओ माइनस आर ओ एच, इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर ये वाला। अब इसके अंदर देखो ये तो प्लस चार्ज आ गया तो ऑब्वियस है यही ज्यादा होगा, इसमें ये वाला होगा, पांचवा आ गया। कंजुगेट बेस जो होता है चलो एक और देखिए, वेरी गुड सन्मुख शाबाश, इसका बताओ जरा। दोनों का ही सही है क्या, 6-7 आ गया, कौन बेटर अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके बहुत बढ़िया। सेकंड देखो, अगर यहां तक हो गया है सेकंड, जरा देखो आपके पास में रूल टू है, न्यूक्लियोफाइल का ही कंपेयर करना है। ये तो देखो कॉन्जुगेट बेस और एसिड में कंपेरिजन था, सब कुछ सेम है, बस एक एच प्लस एड हो गया है देखो एसिड में। अब आपको कुछ डिफरेंट कंपेयर करने बोला, आपके पास सी एच थ्री माइनस है, एन एच टू माइनस है, ओ एच माइनस है और एफ माइनस है, इनमें से कौन सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन देगा, इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा, CH3- देगा, NH2- देगा, अपन ने बेस वे सब कर रखा है। वेरी गुड वेरी गुड शाबाश। देखो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल ये है, तो देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता अपने पास। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और उसको नेगेटिव दे दिया तो बिल्कुल नहीं रखेगा, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F माइनस, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम। जरा ये समझ में आया कि बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कैसे स्ट्रेंथ होती है, ये नहीं पता तो रिएक्शंस में दिक्कत होगी।
यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जरा इसका बताओ, कौन बच्चा बताएगा मेरे को इसका? सेकेंड में बताओ क्या ऑर्डर होगा और रीजन बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटी। किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? वेरी गुड वेरी गुड, रीजन मलार वेरी गुड, शाबाश वेरी गुड। सबसे देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp, इसका sp2, इसका sp3, ठीक है, sp, sp2, sp3, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। ये आया क्या? रूल टू सबको समझ में आया? रूल टू क्या है? मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेसर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके भाई साहब, सबको आगे इतना तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के भी हाफ पे देखा हमने, ये किसके भी हाफ पे देखा? न्यूक्लियोफिलिसिटी के भी हाफ पे देखा। अब जरा ये देखो, आई होप सबने छाप लिया इतना, कहीं का आंसर भी किया है। तो रूल जो है थ्री देखो, कंपेयर करना है कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल। अच्छा ये तो यार मैंने बहुत बार करा रखा है आपको, एक है आपका CH3O माइनस और एक आपके पास ये है, ये O माइनस। A और B में कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, कौन ज्यादा बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा? रीजन देखो यार एकदम सिंपल है, अपन ने बहुत बार कर रखा है जीओसी में, ऐसे बहुत बहुत भर भर के सवाल किए थे। देखो सवाल पूछ रहा है किसमें इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होगा, किसमें इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होगा? ऑब्वियस है ए में होगा, क्यों? इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज विल गो इनसाइड रिंग, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? रिंग के अंदर चला जाएगा। इसमें प्लस आई लग के और ज्यादा होगा। चलो दूसरा बताओ, ये आपको याद होगा। तो आपको दिया गया है आर ओ माइनस, पी एच ओ माइनस और सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ए बी सी, कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल? देखो ए बेटर होगा, बी बेटर होगा। सर इसमें तो रेजोनेंस होता, इसमें भी होता है, यस, इसमें इक्वल आरएस बनते, इसमें क्या बनते? इक्वल आरएस बनते। वाह बेस साइन याद करो, जिसका बेस साइन ज्यादा है वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल।
दो तीन और कर लो। इसमें बताओ कौन बढ़िया तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा। इफेक्ट जिसको आता है उसको ये भी आ गया। रीजन एकदम साफ है, ये देखो इस पे ये आएगा तो ऑब्वियस इस पे नेगेटिव बढ़ जाएगा। इसमें क्या है, ये जो है लोन पेयर इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है। बेस स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा ना तो जिसका ज्यादा बेसिक है वही वाला बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके अंदर ये रहेगा। ये तो क्या है, ये याद है लोकलाइज डी लोकलाइज, ये लोकल में इधर ही रहेगा, लोकलाइज्ड है। ये क्या है, डी लोकलाइज्ड है, अंदर भी जा सकता है। वह था ये रूल 3 था कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियस है ज्यादा होगा। ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। फिर ये चीज देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा, इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो फ्लोरीन अपने पास रख लेगा, उसकी कम है तो वो इजिली दे देगा। ठीक है भैया, आपको कहाँ पे मैसेज करना है, अक्षय वहां पे मैसेज मत करो बेटा, पूरा जो भी मैसेज करना है वहां पे मैसेज करके आया होगा केजीपी सर, मैसेज करके उस पे करो, क्योंकि फिर मैं रीड नहीं कर पाता। वो आपने आंसर किया हो तो भी मेरे को नहीं पता चलेगा, वो तो अभी मैंने जस्ट खोल के देखा, अच्छा इनके मैसेज आए हुआ वहां। ओके तो अब रूल 4 देख लो जरा, रूल 4, रूल 4 में एकदम सिंपल सी चीज है। आपको थोड़ा सा लगे सर ये तो कॉन्ट्रेडिक्टरी बता रहे हैं आप, कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं है। रूल 4 देखना, आपको दिया है CH3O-। देखो बेटा पहले मैंने OH लिया था, एक आपको दिया है CH2O- और CH3, एक आपको दिया है CH, this is CH3, this is O minus, एक आपको दिया है CCH3, और ये O minus। ठीक है, आपको ऐसे 4 दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि इनके अंदर सबसे बेस्ट बेस कौन सा है, सबसे बेस्ट बेस कौन सा है। देखो ये एक ही कंटेंट है, बट यहां पे क्या है, ये यही है, इसके हर एक का हाइड्रोजन बढ़ रहे, सॉरी हाइड्रोजन घट रहे, CH3 बढ़ रहा, तो सबसे बेस्ट बेस जो है बेस का ऑर्डर आ जाएगा डी, सबसे बेस्ट बेस। क्यों, प्लस आई इफेक्ट है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ए है, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से डी सी बी ए। ठीक है, अच्छा ये तो बेस का ऑर्डर हो गया बेटा, बट यहां पे क्या है ना, न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर थोड़ा चेंज होता है।
न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर चेंज होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बेस में क्या करता है, सिर्फ एच प्लस एक्सेप्ट करना है, ये भी एच ले लेगा, ये भी एच ले लेगा, आराम से एच ले लेगा। बट इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोफाइल में ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये किसी सबस्ट्रेट को अटैक करेगा, तो जब अटैक करता है तो जितना उसके बाद उसका ये आजू बाजू वाला एरिया बड़ा होगा उतना ही वो कम अच्छे से अटैक कर पाएगा। इंपॉर्टेंट बात समझो, जितना नो डाउट इसके इलेक्ट्रॉन साइन ज्यादा है, बट क्योंकि यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग है वो सबस्ट्रेट तक अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, और ये क्या है, वेरी बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप है, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, स्टेरिक क्राउडिंग होगी इसके अंदर, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्या सर? पहले तो आप बोले थे बेस का ऑर्डर ही होगा, बेटा ये सब एक ही चीजें थी सब कुछ, देखो कंपेयर कर रहे हो, सेम नियर अबाउट सेम चीजें, नियर अबाउट। अब इसके अंदर क्या है, सेम कंटेंट था बट इनके बल्कीनेस बढ़ा रहे हो, तो नो डाउट बेस स्ट्रेंथ जरूर बढ़ेगी, बट न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने की टेंडेंसी होगी, इतना मोटा भरकम भारी हो गया तो हिल नहीं पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? होते से डन लिखो, विधान भी एक्टिव है भाई, यश भी एक्टिव है, जसवाल, कबीरा, ओके। रूल 5, रूल 5 क्या बोलता है, अब हम वापस रिकैप कर लेंगे, इनको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो आपके पास इनको कंपेयर करना है, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस। रूल 5, रूल 5 क्या है, एफ माइनस बी आर माइनस, सॉरी एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस, इनमें कंपेयर करना है कि कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। अब बढ़िया न्यूक्लियोफाइल के लिए एक कंडीशन, अभी तक वो सब अपन ने डिस्कस नहीं किया था, अभी कंडीशन क्या है, हमारा सॉल्वेंट जो है दैट इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, हमारी रिएक्शन हो रही है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमारे पास एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस है। आपको ये बताना है कि इनमें सबसे बढ़िया बेस, सॉरी सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। अच्छा ये बताओ, पोलर अप्रोटिक में किसको ये लोग सराउंड करते हैं, कैटायन को करते हैं कि एनायन को करते हैं? पोलर अप्रोटिक में ओनली कैटायन इज सॉल्वेटेड and anions are free, anions are free। तो ये बताओ सबके पास में सेम चार्ज है, सबके पास में सेम चार्ज है और इनका सॉल्वेशन नहीं हुआ, सॉल्वेशन होता तो क्या हो जाता, साइज बढ़ जाता। तो अगर इनका सॉल्वेशन नहीं हुआ है, ओनली कैटायन इज सॉल्वेटेड एंड एनायन इज फ्री, तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी F माइनस की, फिर क्लोरीन माइनस की, फिर ब्रोमीन माइनस की, फिर आयोडीन माइनस की। सर आपने एक बार आयोडीन को ज्यादा बताया था,
बेटा जब वो पिछला केस था जब मैंने आई माइनस बताया था, दैट वॉज लिविंग ग्रुप, कि इनमें लिविंग ग्रुप सबसे पहले छोड़ के जाने वाला कौन है वो बताया था। यहाँ पे अपन क्या डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल कौन बेटर होगा, किस में, पोलर अप्रोटिक में। पोलर अप्रोटिक में ये लोग सराउंडेड नहीं होंगे, सराउंडेड नहीं होंगे तो जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो सबसे ज्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। This is order of nucleophilicity. Clear है क्या इतना? किसमें ये? Polar aprotic में। अच्छा polar protic हुआ तो polar protic में क्या होगा? The anions are solvated. एनायंस को सॉल्वेट किया जाएगा, तो अगर एनायंस को सॉल्वेट किया जाएगा तो ये एफ माइनस होगा, इसके सराउंडिंग में इतना सॉल्वेशन होगा कि इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें क्या है, क्लोरीन का होगा है साइज पर इसका थोड़ा सा कम ही सॉल्वेशन होगा। आयोडीन का है नो डाउट है, बट इसकी ऑलरेडी साइज बड़ी हुई है तो इसका सॉल्वेशन कम होगा। जिसकी न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ये जितना छोटा होगा उतने यहाँ पे लेयर्स बढ़ते जाएंगे और वो उतना वीक होता जाएगा, सॉल्वेशन बढ़ेगा। किसका सबसे ज्यादा सॉल्वेशन इसका है, सबसे ज्यादा सॉल्वेशन, अगर सबसे ज्यादा सॉल्वेशन है तो न्यूक्लियोफाइल सबसे वीक ये होगा और ऑर्डर जो है आपका रिवर्स हो जाएगा। एफ माइनस का कम, क्लोरीन का ज्यादा, फिर ब्रोमीन का ज्यादा, फिर आयोडीन का ज्यादा, ये है आपका ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये थोड़ा सा लास्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जनता के लिए, नॉर्मल जनता के लिए, जिसको पुरानी चीजें याद नहीं है सॉल्वेशन क्या होता, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये। ओके हुआ सबका?
ओके चलिए ठीक है। आप नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट देखो, अभी ये पार्ट हो गया अपना। अभी नेक्स्ट अपन जो डील करेंगे दैट इज हमारा पहला SN1 रिएक्शन। ठीक है, पहले अपन रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो होगा दैट इज रिएक्शन, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है उसमें सबसे पहले SN1 रिएक्शन को अपन गौर से देखते हैं। कौन से रिएक्शन को? SN1 रिएक्शन को ढंग से देखते हैं। SN1 रिएक्शन को ढंग से देखते हैं। कौन सी रिएक्शन? SN1 रिएक्शन। तो देखिए SN1 रिएक्शन में क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट होगा विद अ लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट में है, ये NU माइनस है, आपको मिला RNU प्लस प्लस ये आपका लिविंग। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? ये सिंपल सा रिएक्शन है, SN1 टाइप रिएक्शन है। ये क्या है? SN1 टाइप रिएक्शन है। अब इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। इस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? या पहले कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एक मिनट ये देख लो। इसका मैकेनिज्म क्या होता है ये देख लीजिए। मैकेनिज्म एकदम सिंपल है। क्या है? आपके पास आर एल है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट लिविंग ग्रुप, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज दी आरडीएस, दिस इज स्लो स्टेप, और ये कन्वर्ट होता है आर प्लस में और एल नेगेटिव। किसमें? आर प्लस में और एल नेगेटिव में। फिर ये आर प्लस जो है इस पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, तो क्या बनेगा? RNU बने। ठीक है, बस यही है, दो दो स्टेप में रिएक्शन हो गई अपनी। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, RDS, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज RDS, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज RDS, ये स्लो स्टेप होती है, ये स्लो स्टेप होती है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। दिस इज स्लो स्टेप एंड दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहां तक छाप लीजिए। ठीक है अक्षय, छाप लिया क्या? दिस इज SN1 रिएक्शन। कुछ कोई एकदम तूफानी नहीं है, सिंपल स्टेप है। SN1 दो स्टेप में हो जाती। पहले में क्या होता? आपका कार्बोकेटायन बनता, कार्बोकेटायन ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन है? सिर्फ और सिर्फ RL है। तो देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए
रेट क्या होती है, रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स आर एल। ये देखो रेट कौन डिटरमाइन करता है, पहला स्टेप आर एल, रिएक्टेंट कौन है आर एल, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। पावर इसका वन होता है, तो बताओ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, पावर कितना है, ये एक ही कंटेंट है, दो ही लोग है, सॉरी एक ही है, तो ऑर्डर वन, सो इट इज कॉल्ड SN1 reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ऑर्डर वन है, तो इसकी वजह से इसका नाम है SN1 reaction। अच्छा what is rate determining, ये देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, RDS क्या होता है, कार्बोकैटायन, तो आप ये भी बोल सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रेट किससे प्रोपोर्शनल होगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से पॉसिबल होगा, रेट जो है प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकैटायन में क्या चीज पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन कार्बो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है। कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना बेटर रेट होगा, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे नहीं हुए। अच्छा ये बताओ जरा, आपके पास में कंपेयर रेट का क्वेश्चन आ गया, कंपेयर रेट ऑफ SN1, आपके पास है पहला CH3Cl, सेकेंड है, देखो ये लिविंग ग्रुप नहीं है, ये रेट बताना है किसमें बढ़िया कार्बोकैटायन बनेगा उसका रेट ज्यादा होगा। ये ए बी सी डी किसमें सबसे बढ़िया SN1 रिएक्शन हो सकता है, लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का नहीं है, सबसे बढ़िया कार्बोकैटायन देखो ये हटाना तो यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पे कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ये 1 डिग्री, तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, डी सी बी ए, वेरी गुड। सबसे बढ़िया कार्बोकैटायन 3 डिग्री होता है स्टेबल कार्बोकैटायन, तो यहां पे क्या बोला है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी किसका है 3 डिग्री का, आई गेस सबको हो गया, ये सबसे हो गया, ये सबने लिख भी लिया।
हुआ ठीक है, अब जरा इसका रेट कंपेयर कर। अरे एक सेकेंड, ना पीपीटी खत्म हो गई। जरा इनका रेट कंपेयर करो, जिसको जीओसी नहीं आता है उसके लिए लाइफ बहुत टफ है। ए है ये बी है, रीजन के साथ ये सबस्ट्रेट है। किस पे फास्टर रेट किसकी ज्यादा बढ़िया होगी? ये ऑक्सीजन है, ये बीआर है, किसका फास्टर रेट हो? आ गया, देखो इसके अंदर का कौन बताएगा? अक्षय बताओ बेटा, माइक ऑन करके बताओ कौन बेटर होगा? अक्षय ए या बी? ए वाला। इसमें क्यों? क्योंकि जो है रेजोनेंस होगा इसके अंदर। फिर इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कार्बोकटाइन यहां बनेगा, इसमें कार्बोकटाइन यहां बनेगा, इसमें डांसिंग रेजोनेंस आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? डांसिंग रेजोनेंस। तो ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बढ़िया एसएन वन रिएक्शन शो करेगा, इसकी रेट फास्टर होगी। इसके अंदर क्या है? अगर यहाँ प्लस चार्ज बना, यहाँ प्लस चार्ज बना, यहाँ प्लस चार्ज बना, तो ये तो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये हो जाएगा एरोमेटिक, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो सबसे बढ़िया कौन? एरोमेटिक वाला बी, फिर कौन? ए, फिर कौन? सी। क्लियर है क्या यहां तक?
ये हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे उसके, चार। अरे श्रिया बेटा सब कॉन्सेप्ट भूल गई तुम, श्रिया सब कॉन्सेप्ट भूल गई। सबसे अनस्टेबल होता है कौन, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक तो बिल्कुल नहीं बनना चाहेगा कोई भी, तो इसकी वजह से ये तो बनना ही नहीं चाहेगा, फिर भी आप बना रहे हो। ये एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा। नहीं क्या होता, क्या पूछते। देखो इसके अंदर है ना, सिर्फ इसका देखेंगे सर, इसमें शिफ्ट करा के वापस ये बनेगा, नहीं वो सब चीजें नहीं देखनी आपको। इसके अंदर सेकंड जो है, इसके अंदर फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो बना ना वो स्टेबल है कि नहीं सर, इसके अंदर नो डाउट शिफ्टिंग होगी, प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपको रेट कंपेयर करना बोले तो जैसे ही ये पहला कार्बोकेटाइन बनेगा उसके भी हाफ पे रेट बताते हैं आप। ओके ये तो हो गए चार, अब नेक्स्ट देखो पांच। पांचवा जो है, रेट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर आ गया, एक है रेट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, जो आपका लिविंग ग्रुप है उसके किस पे, जो जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना बेटर, उतना बेटर उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना बढ़िया रिएक्शन होगा, फास्टर रिएक्शन होगा। ठीक है, बस दो तीन मिनट और करा के इसको पॉइंट्स लिखा देते हैं, फिर ये भी लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। रेट जो है न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन की, कि 1 mm डाला, 2 molar है, 3 molar है, उस पे नहीं, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे डिपेंड करता। और एक सबस्ट्रेट पे कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल बनता। और एक सेवेंथ आखिरी लिख लो,
देखो जब भी आपका रिएक्शन होगा ना, ये RDS हुआ, तो R प्लस और L माइनस बनता लिविंग ग्रुप। तो ये कौन से सॉल्वेंट इसको ज्यादा फेवरेबल देता है? ये सेवेंथ जो है दैट इज ऑन सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए? देखो ये आपका RDS है, ये अपना RDS है, ये R प्लस, ये L माइनस। अब ये देखो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा रहेगा इसका? सबसे बेस्ट पोलर अप्रोटिक की पोलर प्रोटिक? R प्लस भी बन रहा, अपने को दूर करना है इसको। सबसे बढ़िया SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर मोर फेवरेबल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर फेवरेबल, आर फेवरेबल फॉर सच रिएक्शन, फॉर सच रिएक्शन। ठीक है, दोनों कैटायन एंड आयन बनाते हैं, कैटायन एंड आयन बनाते हैं तो पोलर उसमें क्या है, सॉल्वेंट में ये लोग ज्यादा स्टेबल है। और आपका जो सॉल्वेंट होता है पोलर प्रोटिक वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर फेवरेबल फॉर सच रिएक्शन, हियर दिस सॉल्वेंट कैन एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। Can act like a nucleophile. देखो अभी सिर्फ आपको रेट में बता रहा हूं, अभी रिएक्शंस कैसे क्या बनेगी, रेजोनेंस शिफ्टिंग अक्षर ओम, वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जो वेदांत के नोट्स आ गए अपने को, यहां तक हुआ क्या? अपन इनको बाद में और डिस्कस करेंगे, अभी रिएक्शन कहां बताइए आपको, प्रोडक्ट बनाना तो सिखाया नहीं है, अब तो सिर्फ और सिर्फ अपन रिएक्शन के टाइप डिस्कस कर रहे हैं। नोट्स कल क्लास में ही चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सब जो है अभी बस खत्म हो गया, फिर SN2 रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उसके स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है। SN1 SN2 कंप्लीट, फिर उनके अपन किसमें क्या होगा वो चेक करेंगे। तो आज का पार्ट यहीं तक कंप्लीट करते हैं। देखो कुछ बहुत टफ चीजें नहीं है, आपको पुरानी चीजें याद है तो हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बीच में थोड़ा सा अपना डिस्टर्बेंस रहा जो भी है नेट की वजह से, फोन के रिश्ते, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और पहले से कुछ इंतजाम करके। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो बेटा, आप मीटिंग लीव कर सकते हो, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म।